कुमार सिंह जो विधानसभा रामगढ़ का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नगण से निर्वाचित सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राज्यपाल बिहार पटना, दिनांक 24/11/2024। माननीय सदस्यगण, शपथ प्रतिज्ञान के प्रति आपके सामने, जब आप पुकारे जाएं तब आपको उसे पढ़ना है। मैं दीपा कुमारी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और नगण से निर्वाचित सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राज्यपाल बिहार पटना, दिनांक 24/11/2024। माननीय सदस्यगण, शपथ प्रतिज्ञान के प्रति आपके सामने, जब आप पुकारे जाएं तब आपको उसे पढ़ना है। सामने मेज पर एक रजिस्टर है, उसमें आपको हस्ताक्षर करना है। अब सभा सचिव नाम पुकारेंगे। क्षेत्र संख्या 196 तरारी श्री विशाल प्रशांत। उन्होंने सूचना दिया है कि वो कल शपथ लेंगे, आगे बढ़िए। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 203 रामगढ़ श्री अशोक कुमार सिंह। मैं अशोक कुमार सिंह जो विधानसभा रामगढ़ का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। हस्ताक्षर कर दिया। अशोक जी वहां के हस्ताक्षर करिए। संख्या 227 इमामगंज अनुसूचित जाति श्रीमती दीपा कुमारी। मैं दीपा कुमारी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। Thank you.
निर्वाचन क्षेत्र संख्या 232 बेलागंज श्रीमती मनोरमा देवी। मैं मनोरमा देवी जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी तथा जिस पद के मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। माननीय सदस्यगण, अब शपथ प्रतिज्ञान की कार्रवाई समाप्त।